हेलो लेट्स विद द द वोकैब फर्स्ट वर्ड इज पैसिव पैसिव देखिए का मतलब होता है शोइंग नो रिएक्शन फीलिंग और और इंटरेस्ट नॉट एक्टिव यानी कि जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है भावना या रुचि नहीं दिखाई जाती है या जब कोई निष्क्रिय होता है यानी कि इनएक्टिव होता है उसे हम कहते हैं पैसिव तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा सबमिसिव एंटोनिम क्या हो जाएगा रेजिस्टेड नेक्स्ट वन इज प्रेगमैटिक प्रेग्मेटिक देखिए एडवांस्ड वर्ड है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होने को ही हम कहते हैं प्रेगमेटिक

तो इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जाएगा ऑर्डर नेक्स्ट वन इज जियो पॉलिटिक्स देखिए पॉलिटिक्स स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस एज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि ना भू राजनीति उसे कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स द नेक्स्ट वन इज कंडेम कंडेम का मतलब होता है किसी की ना तीव्र तरीके से ना निंदा करना टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज वेरी बैड

नेक्स्ट वन इज सीज का मतलब होता है किस चीज का रुक जाना समाप्त हो जाना तो स्टॉप और एंड उसे हम कहते हैं seize. तो इसका क्या क्या हो जाएगा? End, क्या हो जाएगा जाएगा एंड स्टार्ट द द नेक्स्ट वन इज देखिए क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल उसे हम कहते हैं इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी और दृढ़ नैतिकता सत्य निष्ठा उसे इंटीग्रिटी कहा जाता है तो इसका सुनाने क्या हो जाएगा ऑनेस्टी एंड हो जाएगा डिसऑनेस्टी द नेक्स्ट वन इज एम्पाइज एम्पेज का मतलब होता है

एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली डिसग्री करते हैं मतलब कि सहमत नहीं होते हैं ना तो उसे हम कहते हैं लॉगरेट उसके अग्रेसिव एंड हो जाएगा काम नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रोडिक्शन इसका मतलब होता है स्टेटमेंट और फैक्ट और एक्शन खंडन या विरोध तो डिनाइल क्या हो जाएगा एक्नोलेंट नेक्स्ट वन इज स्ट्राइडेंट स्ट्राइडेंट का मतलब होता है लाउड एंड अनप्लेजेंट यानी कि स्वर या ध्वनि तीव्र और कर्ण कटु मतलब कि जो कानों को अच्छी नहीं लगे उससे हम कहते है, strident. So, हैं हम क्या 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 हो 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 जाएगा 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 का मतलब done in order to find something out, कि ना खोज पर uh, करना उसे कहते इसका एनिमोसिटी देखिए अ स्ट्रॉग फीलिंग ऑफ एंगर एंड ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग यानी कि ना किसी के प्रति वेश रखना वैर भाव रखना शत्रु

Higman. Higman का मतलब होता है सुप्रीम लीडर यानी कि जिसका आधिपत्य हो वो होता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Free. Free के ना तीन मतलब होता है एक्चुअली uh, कभी कभी देखिए जब हमारे कपड़े ना पुराने हो जाते हैं जब वो घिस जाते हैं या उसमें जब रेशे निकलने लग जाते हैं तो उस रेशे को हम लोग है ना फ्रे कहते हैं एक फ्रे का मतलब होता है जब कोई पर्सन का बहुत ज्यादा थक जाता है उस थकावट से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इरिटेशन होता है तो उसे भी हम फ्रे ही कहते हैं और एक फ्रे का मतलब होता है कि कहीं पे अगर झगड़ा चल रहा हो बहस चल रहा हो या एक लाइव एक्शन सीन चल रहा हो ना तो उसे भी हम फ्रे कहते हैं नेक्स्ट वन इज

ना तो उसे मैंने कंसीड कहते हैं कि टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू ऑल दो यू डू नॉट वांट टू यानी कि सच्चाई को ना चाहते हुए भी मान लेना स्वीकार करना उसे हम कहते हैं कंसीड तो उसका सुनाम क्या हो जाएगा एक्सेप्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा डिनाई द last... Persuade. Persuade का मतलब होता है the action of trying to achieve or get something, यानी कुछ पाने की कोशिश करना उसे हम कहते हैं persuade. तो इसका synonym क्या हो जाएगा chase, antonym क्या हो जाएगा surrender और retreat. That's it. Thank you.